नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज हम मौजूद हैं जलगांव के एक बहुत ही शानदार और अच्छे माने जाने वाले अस्पताल गोल्ड सिटी अस्पताल में। आज गोल्ड सिटी अस्पताल का दूसरा जन्मदिन है, वर्धापन दिन है, और इन दो सालों में गोल्ड सिटी ने अपना नाम जलगांव शहर में कर लिया है। यहाँ जो सुविधाएँ हैं, बताई जाती है कि जलगांव शहर में सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर वो सुविधाएं हैं। इस अस्पताल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो पेशेंट आता है उसे किसी भी चीज़ के लिए कहीं और बाहर रेफर नहीं किया जाता है। यहाँ जो पेशेंट आता है वो यहाँ से अच्छा होकर ही जाता है, ये लोगों का मानना है। अभी के दौरान में ये कोविड अस्पताल हो चुका है, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, और इसमें भी जो यहाँ पर रिकवरी रेट है वो 98% के लगभग है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी है। और इन सुविधाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम लोग चलेंगे अंदर और बातचीत करेंगे यहाँ गोल्ड सिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विकास बोरोले से। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस अस्पताल के बारे में, अपने वर्धापन दिन जो है दूसरा वर्धापन दिन अस्पताल का, उसमें क्या संदेश देते हैं, वो चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड सिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विकास बोरोले जी, ये हमारे साथ हैं और हम इनसे कुछ ऐसे सवालात करेंगे जो आप लोगों को भी सुनने चाहिए, समझने चाहिए। डॉक्टर्स की परेशानियां क्या होती है, आप परेशान रहते हैं लेकिन डॉक्टर्स कितना परेशान रहता है आपको बचाने के लिए, आपकी सेवा देने के लिए, ये छोटी सी जानकारी लेंगे हम इनसे। सर, सबसे पहले तो आपसे मेरा एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से हमारे मन में भी है और लोगों के मन में भी होगा जब वो अस्पताल के आगे से गुजरते हैं, इस अस्पताल का नाम गोल्ड सिटी क्यों है? जलगांव सिटी है अपने गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, इसलिए एक जलगांव का हॉस्पिटल है जो अपन नेशनल फोरम पे मालूम पड़ना चाहिए कि दिस इज़ अ गोल्ड सिटी हॉस्पिटल ऑफ जलगांव, इसलिए इसका नाम गोल्ड सिटी रखा गया है। सर, गोल्ड सिटी अस्पताल जो है वो जलगांव को गोल्ड से के नाम से जाना जाता है, अब गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। सर, कोविड अस्पताल जो है वो आपने यहाँ पे कोविड सेंटर जो है कोविड अस्पताल वो क्यों शुरू किया? हम लोग जब से कोविड का ये जो प्रादुर्भाव शुरू हुआ है समाज में, मैं देख रहा हूँ 15 फरवरी से शुरू हुई ये चीज़ें और 15 मार्च के बाद में उसका जो बढ़ावा मिल रहा है दिखने मिला था, उसके बाद में हमारे हॉस्पिटल्स को नॉन कोविड पेशेंट आना बहुत मुश्किल हो गया था और इतने बड़े हॉस्पिटल का मेंटेनेंस वगैरह करके बहुत मार्च अप्रैल में 3 महीने बहुत परेशानी में गुजरने पड़े, जो कि मैं बड़ा मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था कि इतने लॉसेस को कैसे कम बैक करूँ। इस मजबूरी में ही सही देखा गया और समाज की ज़रूरत दूसरी, ये दोनों चीज़ों की वजह से मुझे लगा कि अपन कोविड हॉस्पिटल क्यों ना करें। तो इस बारे में थोड़ा सा IMA के साथ में, कलेक्टर साहब थे उसके साथ में चर्चा करने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि अपन ने कोविड हॉस्पिटल करने को हर्ज नहीं है, क्योंकि पहला पेशेंट, दूसरा पेशेंट, ये सभी हमारे यहाँ पे आके डायग्नोस हुए हैं। उसके बाद में हमको लगा कि ठीक है, अपन कोविड के लिए करना ज़रूरी हो गया क्योंकि ये अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा। तो इस बैकग्राउंड के बाद ही हमने सोचा और इसको फिर कार्यान्वित करने की कोशिश में करके आज की स्थिति में हम पहुँचे हुए हैं। सर, कोविड अस्पताल आपने शुरू तो किया है, कोरोना जो है उससे लोग दूर ही भागना पसंद करते हैं, तो ये कोविड अस्पताल शुरू करने के बाद आपका अनुभव क्या रहा? ये एक्चुअली इसमें देखा जाए तो ये पूरा जो मोटिवेशन फैक्टर था वो अपने जूने कलेक्टर डाकने साहब इनकी तरफ से मुझे मिला। जैसे कोविड की प्रादुर्भाव सुनने में आया तो हम लोगों ने PPE किट्स तभी अवेलेबल नहीं थे, तो रेनकोट्स और कैप मास्क बना के PPE किट्स हर पेशेंट को, हर हमारे स्टाफ को गमबूट्स पहना के, ग्लव्स पहना के उनको वर्किंग पे लगाया। ये सब देख के, सैनिटाइजेशन मेथड्स देख के डॉक्टर साहब को हर टाइम लगता था कि ये हॉस्पिटल ही है जो शुरू कर सकता है। वो बार बार मुझे हर टाइम पे बोलते थे कि आप शुरू करिए। तो एक बार वो और हमारे सिविल सर्जन चौहान सर ये आके गए और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की मुझे कि आप, ऐसे भी आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नॉन कोविड ट्रीट करने को,
सौ का स्टाफ है, आप पेमेंट कर नहीं पा रहे हो उनका, तो आप कोविड करेंगे तो उसमें आपको राहत मिलेगी। आपको अगर इसमें कुछ हो तो गवर्नमेंट का अधिग्रहण भी अपन कर सकते हैं। और इस हिसाब से ये मोटिवेशन के बाद मुझे भी लगने लगा कि इनकी बात में कोई बड़ा वजन है और समाज के प्रति भी अपन ने कुछ करना चाहिए। तो ये चीज़ पायनियरिंग करने की मेरी बड़ी इच्छा हो गई और इसके बाद में फिर मैंने ये चीज़ें कोशिश करके इसको फलन रूप करने की पूरी तैयारी की। टोपे साहब अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब 7 तारीख को आए थे इधर मीटिंग के लिए, उस टाइम पे डाकने साहब ने मुझे बुलाया कि आप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट भी अधिग्रहण करना चाहेगी आपके हॉस्पिटल को, या आप प्राइवेट करना चाहते हो। मैंने बोला कुछ पार्ट ऑफ ये मैं अधिग्रहण करना चाहता हूँ और कुछ पार्ट प्राइवेट करना चाहता हूँ, पर मैनेजमेंट ये पूरा मेरी तरफ देखना चाहिए, मैंने देखना चाहिए, ऐसे मेरा हट था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये कुछ पॉसिबल नहीं हुआ तो अभी और उसमें डाकने साहब की ट्रांसफ़र हो गई। राउत साहब आए तब उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे करना चाहते हो, तो कुछ सिविल से साथ में जुड़ के ये अधिग्रहण का कार्यक्रम कंप्लीट करने की उनकी मांग थी, पर वो कुछ पॉसिबल नहीं होना होता था मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं पूरा प्राइवेट कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने उसकी सम्मति दर्शाई, अधिग्रहण पीछे ले लिया और मुझे प्राइवेट करने की पूरी तरह से सम्मति दे दी। सर इसके पीछे कॉस्टिंग क्या होती है, आप जब कोरोना मरीज का इलाज करते हैं तो कॉस्टिंग क्या होती है, आपको क्या होती है और जो मरीज रहते हैं उनको किस तरीके से आप लोगों को कॉस्टिंग बताते हैं? जब मैंने चालू किया ये कोविड हॉस्पिटल तो इनिशियली मुझे बड़े प्रॉब्लम्स आए, मैंने पूरे मेरे स्टाफ की मीटिंग लिया और उनको बोला कि किस किस को कोविड में काम करना है। अभी कोविड में काम करने के लिए उनको मोटिवेशन करने का है या उनमें कुछ ये करना है तो उसके लिए मुझे उनको डबल या ट्रिपल पेमेंट देने के वादा करने की लालूसी देनी पड़ी। उस वजह से वो लोग तैयार हुए कि अरे अपने को डबल पेमेंट मिल रहा है, ट्रिपल पेमेंट मिल रहा है, तो उस हिसाब से वो काम करने के लिए राजी हुए। मैंने उनको ऐसे मीटिंग में लिया कि जो कोविड में काम करेगा उसको 2 टाइम्स और क्लास 3 क्लास 4 को 3 टाइम्स पेमेंट में कर दूंगा आपका, तो आप करना चाहेंगे क्या? तो उसमें से 70-80% रेडी हो गए उस चीज़ से। पर उस टाइम पे इतने प्रॉब्लम्स हुए कि अभी प्राइवेट चलाना, तो फर्स्ट पहला पीपी किट का सेट मैंने 1300 रुपये में ख़रीदा। उसके बाद में मुझे हर तरह की प्रॉब्लम्स आने लग गई। स्टाफ आता था, नया स्टाफ ज्वाइन होता था और 5-10 स्टाफ भाग जाता था। ऐसे करते करते मुझे 15-20 दिन गए और ये सब देने के बाद में डॉक्टर्स को ये सब कॉन्फिडेंस देके कि मैं पूरा केयर लूँगा, उनका इंश्योरेंस करके, उनकी फैमिली का केयर लेके, हर चीज़ का खर्चा का उनको वादा करके मैंने ये शुरुआत की। इसमें मुझे जो कमियाँ लगी कि शुरुआत करने के बाद में भी कुछ लोग थे कि जो आते थे पर डर के मारे भाग जाते थे, ऐसे में कम से कम स्टाफ में मुझे शुरू करना पड़ा। शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 10 पेशेंट से मैंने शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे जैसे स्टाफ बढ़ा तो 15 किए, 20 किए, 30 किए, पर जो कॉमन खर्चा था बैक ऑफिस का वो कॉमन था। इसलिए इनिशियल 1 से 1.5 महीने तक के मुझे पर पेशेंट बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और उस हिसाब से मुझे पेमेंट का और उनका जो बिलिंग है वो ज़्यादा लेना पड़ा। अभी का जो सिनेरियो उसमें बहुत अलग फ़र्क है, वो मैं आपको विस्तार में कुछ अलग प्रश्न के बारे में बताऊंगा। सर जो रेट्स रहते हैं वो वहाँ की हर अस्पताल का यही है, जैसे रेट्स रहते हैं फैसिलिटीज जो है वो भी वैसी रहती है, आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज? अभी जब कोविड शुरू किया मैंने तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जो रेट्स थे उससे मैं 20% मैंने ज़्यादा रेट्स रखे इसमें, क्योंकि मुझे जो पेमेंट्स करने थे लोगों के उस गुना में करने थे और जो नॉन कोविड में काम करना था उनको भी उनका पेमेंट देना था क्योंकि वो बैक ऑफिस में काम करने के लिए तैयार थे। मैंने मेरे यहाँ से एक भी आदमी को किसी को कम नहीं किया या किसी को भी पगार से वंचित नहीं किया। इसके बाद में दूसरा मेरे को ज़्यादा तकलीफ का ये हुआ कि मेरे यहाँ पे कैथ लैब है जिसका मेंटेनेंस 4 से 5 लाख रुपए महीने का है, फिर मेरा जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है उसका एक अलग से मेंटेनेंस और खर्चा रहता है, वो मुझे बंद करना पड़ा। फिर जो मेरे डॉक्टर्स थे, रेगुलर डॉक्टर्स थे जिनको नॉन कोविड में कुछ काम, कोविड में कुछ काम नहीं था, सिर्फ फिजिशियन का काम है और कार्डियोलॉजिस्ट का काम था इसमें, तो वो भी मुझे डिसकंटिन्यू या तो उनको पेमेंट पे रख के पार्ट टाइम काम करने के लिए उनको मजबूर करना पड़ा।
तो ये लॉसेस को भी एक मद्देनजर रखते हुए और बाकी का एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़ने के बाद में जो भी बिलिंग मुझे उचित लगा उस हिसाब से मैंने इनिशियली बिलिंग्स का तय किया कि इसको 20 या 30% मेरे एक्चुअल जो हॉस्पिटल रैक रेट्स है उसके हिसाब से उसको अपन रखे। और धीरे धीरे जैसे पेशेंट बढ़े गए तो अपने को एक अच्छा उसमें लेवल हो जाएगा, जेब से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपन आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने उस टाइम के रेट्स डिसाइड किए थे। और जब कम पेशेंट्स होते हैं तब ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल जाता है। आज की तारीख में मेरा 100% हॉस्पिटल फुल होने की वजह से मुझे सही में अच्छा मतलब मेंटेनेंस भी मेरा निक रहा है और मेरा जो मैंने बंद किया है कैथ लैब वगैरह तो उसका भी जो खर्चा है वो करने में मेरे को आसानी हो रही है और मेरे हॉस्पिटल को आगे प्रोस्पेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा बहुत और थोड़ा पैसा भी मिल रहा है। तो उसके लिए मैं समाज की वती से जो गरीब रहेंगे उसके लिए भी कुछ बिल वगैरह कम करता हूँ। किसी के कहने पे रोज़ यही चालू रहता है कि एक 20% अपन गरीब लोगों के लिए भी रखें। तो उस हिसाब से इस कलेक्टर ने 80-20 का फॉर्मूला कर दिया है कि 80% आप गवर्नमेंट रेट से करो, 20% आप प्राइवेट रेट से करिए। सर, सुविधाएँ जो है वहाँ आपके अस्पताल में वो क्या क्या हैं? इनिशियली जब अपन ने शुरू किया है ये अपना कोविड हॉस्पिटल तब मेरे पास 7 वेंटिलेटर्स थे, मॉनिटर्स वगैरह बाकी तो सब था, वेंटिलेटर का जो प्रमाण था कम था। लेकिन जैसे हमने कोविड काम शुरू किया, बैक ऑफिस में कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे दोस्त लोग हैं जो मुंबई पुणे में कोविड में काम कर रहे हैं, उनसे बात किया तो HFNO बोल के एक हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मशीन आते हैं वो मैंने ऑर्डर किए, वो मुझे ऑर्डर करने पड़े। और दूसरी बात, मेरी तरफ से हमारे हॉस्पिटल ने एक प्रिंसिपल रखा है कि पेशेंट आया तो उसको कहीं रेफ़र नहीं करना, उसे पूरी तरह ट्रीट करना ही है। मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये कोई भी उससे उसके लिए एडमिशन नहीं करना, पर पेशेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करना और उसको कहीं रेफ़र नहीं करना, ये हमारा पहला प्रिंसिपल हमने रखा। इसके अगेंस्ट में हमको लगा कि ये बीमारी को बाईपैप मशीन ज़्यादा लगने लग गए, तो जो बाईपैप मशीन मेरे पास दो थे उसको बढ़ाते बढ़ाते आज मेरे पास 18 बाईपैप वेंटिलेटर्स और HFNO मशीन्स हैं, जिसके लिए मैं जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे मंगाते गया और पेशेंट को सुविधा देते गया। तो उसके अगेंस्ट में आज तक मुझे ऐसे नहीं हुआ कि मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है तो आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ, सिविल हॉस्पिटल चले जाओ। तो आज तक मैंने एक भी पेशेंट को मेरे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र नहीं किया है। सर, सरकार के जो रेट्स हैं क्या आपके अस्पताल में जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से काफ़ी हैं? सरकार ने तो अच्छे रेट्स दिए हैं और अभी कलेक्टर साहब ने भी हमारा पूरा बात सुन के हर प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्कस करके कि हॉस्पिटल को भी कोई नुकसान ना हो और पेशेंट का भी ज़्यादा नुकसान ना हो, जिसको प्राइवेट में इच्छा है ट्रीटमेंट करने की उसके लिए एक रैक रेट्स हमारे लगाए हुए है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, ऐसे मीडियम स्वरूप के रेट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने भी और कलेक्टर साहब ने भी। इसमें बहुत बड़ा दिक्कत ऐसे हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो दिए है वो कोविड ट्रीटमेंट के रैक रेट्स दिए है और कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो उस इलाज का कैसे खर्चा किया जाए उसके बारे में काफ़ी चर्चा मंथन एक हफ्ते तक कलेक्टर साहब के साथ में, सिविल सर्जन सर और डीन सर के साथ में हुई कि ये कोमॉर्बिडिटीज़ का ट्रीटमेंट का फिर खर्चा कौन करेगा। तो फिर उसके अगेंस्ट कुछ सुविधा और कुछ रेट्स कलेक्टर साहब ने हमारे लिए डिसाइड किया, वो हमारे को सबको मान्य करके एक ऑर्डर पास किया है। उस हिसाब से इसके बाद में हर पेशेंट को रेट आकारे जाएंगे और ये रेट लिस्ट और ये सब कुछ हमने हमारे हॉस्पिटल के बाहर लगा के रखा है, जिसको भी उसके बारे में जानकारी लेनी है तो वो बोर्ड पे लगाया हुआ है। सेकेंडली कलेक्टर साहब बोले कि आप 80% जो कोटा देने वाले वो उसका भी एक लिस्ट आप लगा दीजिए हॉस्पिटल के बाहर में कि कौन सी जो बेड है कौन से कैटेगरी में आता है, कौन सा ICU कैटेगरी में आता है, कौन सा किस कैटेगरी में आता है और हर पेशेंट को काउंसलिंग करें कि आपके पेशेंट को अदर बीमारी हो तो उसका भी अलग से खर्चा आपको देना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है कि कुछ हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं आपको 4,000 या 7,000 बोला है लेने के लिए, 7,500 रुपये, तो उसके अगेंस्ट ये सिर्फ कोविड ट्रीटमेंट के रेट्स हैं। इसके बाजू में अगर डायबिटीज़ बढ़ता है किसी का, किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, किडनी प्रॉब्लम्स है, अभी हमने रिसेंट में देखा कि काफ़ी लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो गए, अटैक आने लग गया, मायोकार्डाइटिस होने लग गए,
तो उनके लिए हमको कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ता है, तो उसकी फीस और उसका ट्रीटमेंट उन्होंने हमें हमारे हॉस्पिटल रैक रेट के हिसाब से लेने की परवानगी दी है। तो इसलिए जो बिल्स गवर्नमेंट का कोविड का है, अदर देन कोविड एक अलग बिल निकलता है और वैसे वो पेशेंट को आकारा जाता है। इस बारे में पूरा कंसेंट रिलेटिव्स और पेशेंट को एक्सप्लेन करके ही एडमिट किया जाता है। सर, ये जो आप काम कर रहे हैं, इस काम में रिस्क कितना है और आपकी जो सहयोगी टीम डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ काम करने के लिए रिस्क के साथ तैयार कैसे हो गए? इनको सब प्रोफिलैक्टिक हमने दवाइयाँ दी है हमारे स्टाफ को। इनका मनोबल इतने प्रचंड प्रमाण में बढ़ाने की ज़रूरत थी कि कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने को उसके लिए लोगों के लिए समाज के प्रति अपना कर्तव्य बहुत ज़्यादा है कि अभी लोग कहाँ जाएंगे। इसकी वजह से हमारे लोग तैयार हुए हैं और करते करते अभी जैसे हमको लोग बोलते हैं डॉक्टर लोगों को कि कोई आता है मर जाता है तो हमारी भावना वो ख़त्म हो जाती है, वैसे अभी कोविड के बारे में काफ़ी हद तक डर जो है वो ज़ीरो हो गया हमारे हॉस्पिटल में। आप हमारे हॉस्पिटल में घूमेंगे तो हमारे लोग पूरी केयर लेते हैं, उनकी 3 दिन कंप्लीट ट्रेनिंग की गई थी कि अपने को खुद को भविष्य से बचाना, तो भी वो जो वायरल लोड है हमारे हॉस्पिटल का ज़्यादा होने की वजह से बीच बीच में कुछ लोग इन्फेक्ट हो ही जाते हैं, पर हमारा जो रिजल्ट जो हमारे स्टाफ ने देखा हुआ है अभी उनको भी लगा है कि कोविड से कोई आदमी मरता नहीं है, बराबर वही मरेगा जो टाइम पे नहीं आएगा, बराबर। तो कोविड इज़ अ सिंपल डिजीज जिसका रिजल्ट 100% हो सकता है, सिर्फ डर की वजह से बराबर प्रॉपर टाइम में ट्रीटमेंट न लेने की वजह से और खुद के बारे में जागरूकता न रहने की वजह से जो भी अभी अपने यहाँ पे जो डेट सीख रहे हैं वो उसी की वजह से है, ऐसे मैं पूरी तरह मानता हूँ। सर, अभी जो इतना कार्यकाल कोरोना का हुआ है, इसमें आपका सबसे बुरा अनुभव क्या है? क्योंकि डॉक्टर्स के लिए जनरली कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि गलत भी बोला करते हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है इस बारे में? मेरा सबसे बुरा अनुभव था मेरा हॉस्पिटल जब मैंने कोविड किया और शुरू करने से पहले एक 2 दिन के बाद में मैंने एक जनरल सभी मेरे स्टाफ का जो इसमें इन्वॉल्व था वर्किंग में उनका मैंने स्वाब लिया, उसमें से मेरे 7 लोग पॉजिटिव आए जो कि मेरे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव टीम में के थे। मेरी ज़मीन ही हिल गई थी कि अभी कैसे मैनेज करूं मैं, और मुझे इतनी तकलीफ हुई वो 15 दिन उनको ट्रीट करने में, उनको बाहर निकालने में। मेरा कैशियर था वो ICU में एडमिट हुआ था, हमें पूरे प्रोटोकॉल्स भी मालूम नहीं थे कि कैसे पूरा सिर्फ ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से, और कुछ मेरे जो दोस्त लोग काम कर रहे हैं कोविड में उनके रेफरेंस से जो ट्रीटमेंट करते गए तो उसमें से उनको मैंने ठीक किया। एक मेरा कैशियर जो सीरियस हो गया था वो भी उसमें से बाहर निकला, तो ये मेरे लिए बहुत ख़राब वक्त था, पर ये वक्त ने ही मेरे पूरे स्टाफ को एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि कोविड से कुछ होता नहीं है, अपन काम करने में आराम से काम कर सकते हो। वो उन्होंने बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ को और बाकियों को मोटिवेट करने की वजह से आज काफ़ी लोग कोविड में काम करने की इच्छा रख रहे हैं और हमारे पास आते हैं। मेरे पास जब 17 का स्टाफ था, आज मेरे पास 51 का नर्सिंग स्टाफ है, 3 लोग मेरे सिर्फ RMOs काम करते थे वो आज 21 पे चले गए हैं, टोटल 175 का स्टाफ मैं कैरी करके ये मेरा हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन और मेरे स्टाफ ने फैलाए हुए कि कोविड को डरने की ज़रूरत नहीं है इसकी वजह से हुआ है, जो कि मैं मानता हूँ इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ बून इन डिसगाइज, वैसे हुआ है इसमें कि वो प्रॉब्लम आई और उसमें से बाहर निकले तो लोग हमें भी और मेरे स्टाफ को समझ गया कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रीट करिए आप ठीक हो जाएंगे, आप टाइम में आओ आप ठीक हो जाएंगे। सर, आगे आने वाले समय में गोल्ड सिटी क्या नई सुविधाएं लाने का विचार कर रही है? कोरोना के प्रति जो भी शुरू है वो लेटेस्ट सब ICMR गाइडलाइंस और हमारी जो बैक ऑफ टीम है उसमें अभी 1.5 महीने पहले डॉक्टर कपिल राठी जो 7 हिल्स का कंसल्टेंट है वो हमारे बैक ऑफ ऑफिस में है। मेरे कुछ खास करीबी दोस्त है जैसे डॉक्टर जाफर खान नोबल हॉस्पिटल, डॉक्टर कैलाश कोटारी, डॉक्टर कुलदीप सिंह, ये जो है इन लोग बैक ऑफिस से हमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और नए नए चीज़ें जो देखने मिल रही है जो बॉम्बे में या पुणे में उनको देखने मिली है उसका हर टाइम पे हमारे साथ में उसको शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ के काफ़ी लोग US में भी काम कर रहे हैं कोरोना में,
एक मेरी फ्रेंड है जो यूके में काम कर रही है, वो उसके लेटेस्ट और क्या क्या हुआ है उधर के रेफरेंसेस हमें दे रही है, तो उसकी हिसाब से हमने को जो डेवलपमेंट करना था वो करते आ रहे हैं। अभी जलगांव के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी या प्लाज्मा जो प्लाज्मा थेरेपी करने की है, तो उसके लिए हम लोग अभी पूरा हमारा टीम लगी हुई है, डोनर्स ढूंढ के ये सब हम कार्यक्रम अभी एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर पहला प्लाज्मा थेरेपी देने की कोशिश करेंगे। सर, सरकार अपनी ओर से कोरोना के बचाव के लिए सुझाव दे ही रही है, आपका आज जो अस्पताल है उसका दूसरा वर्धापन दिन है, तो इस अच्छे पल में आप लोगों को कोरोना से बचाव के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोरोना से बचाव तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना वगैरह यह है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और करीब करीब 70-80% लोग तो इससे इन्फेक्ट होने ही वाले हैं, क्योंकि अपने रोज की ज़िंदगी में कितना भी करने के बाद में ये चीज़ें अपने से होती नहीं है। जैसे अपन आज बैठे हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स भूल के बैठे हुए हैं, तो इसी को अगर ये करेंगे तो थोड़ा सा अपन उससे बचाव कर सकते हैं, और जो सही में कोरोना से बचेंगे उनको भगवान की दुआ है ये समझूंगा मैं, लेकिन जिसको हुआ उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसने टाइम पे आके ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं आज भी मानता हूँ 90% लोगों को कुछ नहीं होता है, ओनली 10% लोगों को कुछ सिम्टम्स आते हैं, निमोनिया आते हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया के हिसाब से, हॉस्पिटल के सेटअप के हिसाब से, कि हॉस्पिटल के बेड्स है कम और 10% पॉपुलेशन है बहुत गुना ज़्यादा, तो इनको ट्रीट करने के लिए इसलिए इतना भीड़ दिख रही है। 90% को डरने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार एंटीबॉडीज़ हो गए तो आप सुपर पर्सन हो जाएंगे कोरोना में काम करने के लिए, आप बहुत आपको या समाज में घूमने के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और अपनी इकोनॉमी और अपना जो भारत देश जो बंद पड़ा हुआ है वो शुरू होने में मदद होगी। तो सिर्फ टाइम पे आओ, टाइम पे ट्रीटमेंट करो, टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस करो, 100% आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता है, इसके मेरे बारे में पूरा पर विश्वास है। ये थे हमारे साथ गोल्ड सिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विकास बोरोला जी। कहा जाता है कि सोना जो होता है वो मुसीबत के समय काम आता है, भले ही वो महंगा हो। इसी तरीके से गोल्ड सिटी भी यही है, भले ही महंगा ना हो लेकिन ज़रूरत पर आपके काम जरूर आएगी। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया आप तक न्यूज़ के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएँ।